का नाम सुनते ही देखिए अभी आरिफ भाई, ये देखिए आरिफ, वो देखिए क्या करने लगा है, नाचने लगा। हमने आरिफ का नाम दिया, नाचने लगा। ये देखिए आरिफ के नाम से नाचने लगता है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो इस समय हम कानपुर के जू में हैं, चिड़ियाघर में हैं, जो कि बहुत ही बड़ा चिड़ियाघर है ये कानपुर का, यानी बहुत ही बड़ा जू है ये कानपुर का, और एशिया का सबसे बड़ा जू इसे बोलते हैं, यानी इंडिया में भी इससे बड़ा जू है नहीं कहीं। तो बाहर कुछ इस तरह की पार्किंग है, ये पीछे कार खड़ी कर दिया है, और ये देखिए पूरी पार्किंग है, ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ से वहाँ तक। आप ये देखिए पूरा पार्किंग है, और ये गेट है अंदर जाने का। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये देखिए तो जिस तरह का बाहर से, और वो सामने देखिए आप, इधर टिकट मिलता है, जो उधर ही मिलता है लेकिन उधर भीड़ है, और यहाँ से हम लेंगे, और टिकट के प्राइस हैं यहाँ पे। टिकट का प्राइस है जो बच्चों के लिए 35 रुपीज़ 35 रुपये का, और बड़ों के लिए 70 रुपये का। ये देखिए टिकट दे दीजिए, कितने का है? 70 रुपये का टिकट है यहाँ पे। तो हमने टिकट ले लिया है, ये देखिए 70 रुपये का है, और यहाँ से एंट्री करेंगे। ये गेट है देखिए, यहाँ पे चेकिंग होती है, तो चेकिंग करके अंदर जाएंगे भाई टिकट। अच्छा अंकल ये बताइए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं ले आ सकते अंदर? यहाँ कुरकुरे, हाँ। चिप्स की पोलोथीन नहीं जाएगी। अच्छा, जैसे वो फार्माकोल है। अच्छा, पत्ता, गिलास। अच्छा अच्छा, वो नहीं जाएगी। अच्छा, अभी कार भी अंदर नहीं जाती ना? कार इस समय 2000 पहले बनती है, 2014 से पहले कार भी अंदर जाती थी। अभी देखिए मशीन भी लगी चेकिंग होके, और इस समय अंदर आ चुके हैं। ये प्रवेश का है, ये देखिए इस तरह का है यहाँ पे, और ये प्ले एरिया छोटा सा एरिया, जब अंदर आते हैं आपका स्वागत करता है। ये देखिए, और ये एंट्री है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए अब चलेंगे अंदर, आप लोग को अंदर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ इस तरह की गाड़ियाँ भी चलती हैं, इसका पता करेंगे भाई। ये क्या यहाँ से घुमाने के लिए पूरा चलेगा? 210 में पूरी फैमिली के साथ? हाँ, 7 लोग बैठते हैं। 7 लोग? अगर अभी है तो दिला दो, 1 घंटे के लिए। अच्छा, और अगर अकेले जाएंगे तब भी 210 पड़ेगा इसका चार्ज। अच्छा, और 7 लोग बैठेंगे तब भी 210, 1 घंटे की राइड होती है। अच्छा, तो भाई ये कार है बैटरी वाली जो है, आपको 45 मिनट 1 घंटे आपको देगी राइड, और ये पूरे चिड़ियाघर में आपको घुमाएगी। इसका प्राइस 200 रुपये। तो चलिए चलते, भी आना होगा तो आएंगे, फैमिली आगे गई। इसकी टाइमिंग क्या है भाई यहाँ पे जू की, चिड़ियाघर की? 9 to 5। हाँ, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये यहाँ पे साइकिल मिलती है शायद किराए की, ये देखिए। इधर कोई है नहीं, ये किराए की साइकिल भी यहाँ से मिलती है आपको। तो भाई यहाँ पे जाते थे, नोटिस लगा हुआ है, हमारे घर में आपका स्वागत है, हमारी आपसे विनती है कि प्लास्टिक की बोतल और भी जो पेपर पान मसाला खा के ना थूके, ये सब लिखा हुआ है, हमें भी जीने दे। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है जू की, और बहुत ही प्यारा व्यू। और सबसे पहले आप ये देखिए बंदर, ये देखिए बहुत ही बड़ा जू है, ये हाथी भी लगे हुए बच्चे खेल रहे। और यहाँ पे पूरा नक्शा दिया हुआ है, कहाँ पे कौन से जानवर आपको मिलेंगे। ये देखिए 44 हैं यहाँ पे टोटल, जहाँ पे सब जानवर हैं और जितनी जगह हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह नंबर के साथ दिया हुआ है। चलिए तो चलते हैं अंदर, और मिलते हैं आप लोग से आगे। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे अगर आप घूम रहे हो तो बंदर को देखे रहिए, बंदर जो हैं आपको मिलेंगे हर जगह, और बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभी। अगर आपके हाथ में आइसक्रीम है, बच्चों के हाथ में, या कुछ पॉपकॉर्न है, कुछ खाने की चीज़ है, तो ऐसा भी। लेकिन ये जू बहुत ही प्यारा जू है।
इधर देखिए एडवेंचर पार्क बना दिया है, जो कि जगह थी, चलते हैं अंदर। भाई कितने रुपए टिकट है यहाँ का? कितनी देर के लिए? अनलिमिटेड बच्चों के लिए, हाँ एडवेंचर है बच्चों के लिए। भाई 50 रुपए का टिकट है, यहाँ से आप अंदर जाके बच्चे खेल भी सकते हैं। ये देखिए, और सबसे अंदर यहाँ पे एक कैंटीन भी है। ये देखिए, हम भी अपनी फैमिली के साथ में आए हैं। और ये देखिए, आप अक्षा हैं जो झूला झूल रही हैं, और ये अल्ताफ भाई झूला रहे हैं। तो आज हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ पे। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत अच्छा नेचर लग रहा है ना, साफ सफाई भी है। पहले तो थोड़ा सही किया था। लोग देखो मज़े कर रहे हैं। ये अलजैन है, और यहाँ पे फरहान है। फरहान ऊपर चढ़िए, आप देखिए कहाँ तक चढ़ पाते हैं। उतारिए जूते, हाँ उतार के चढ़ जाओ। अलजैन चढ़ो, देखे कौन चढ़ता है, कंपटीशन होगा। चलो 1 2 3, हाँ पकड़ो ऊपर, कोशिश करो। हमें तो लगता है ये हिल ही नहीं पाएंगे यहाँ से। और ये छोटे वाले को देखो, गौर से देखो, ये पूरी ताकत लगाए हुए। ये अलजैन है। अलजैन आप कहाँ आए? हम चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में? हाँ। क्या करने आए हो? झूला झूलने। और क्या देखने आए हो? शेर, हाथी, चीता, सांप, सब कुछ देखने आए हो। हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा। हाँ अच्छा। तेज बोलिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। तो इनको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए कुछ एडवेंचर का बना दिया है, और बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि इतना बड़ा जब जू है तो इतनी ज़्यादा जगह है, तो जगह का इस्तेमाल अब सही हो रहा है। पहले आते थे इतना था। ये देखिए केबिल है, ये देखिए, वो 50 रुपये इसका वो है जिसमें ये हेलमेट है, ग्लव्स है, सब देते हैं, ये रखा हुआ है। ये देखिए अक्सर झूला झूल लें, कितना बड़ा झूला। और अब यहाँ पे बहुत से इस तरह के झूले जाल डाले हैं, तो बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एंजॉय करेंगे। तो भाइयों अब हम आ चुके हैं मंकी हाउस, बंदरों के घर की तरफ। आप लोग को बंदर दिखाएंगे बाहर, और यहाँ पे हैं लंगूरी बंदर, बहुत एक के रिसस बंदर। ये देखिए, हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू। और ये घूरते हुए, ये लंगूरी हनुमान बंदर है, और बहुत ही बड़ी पूंछ है इनकी। हेलो बंदर जी, कैसे हैं आप लोग? हाँ हाउ आर यू। हाँ क्या हुआ? तो ये देखिए यहाँ पे बत्तख है, मोर देखिए यहाँ पे है, और ये देखिए यहाँ पे बत्तख है, और सब है यहाँ पे सारा से। देखिए कितनी बड़ी बत्तख है, ये देखिए, तो कुछ इस तरह का है। और वहाँ से एंट्री हमने किया है, और यहाँ से आगे से निकल जाएंगे। यही वाला है भैया, यही बगला है। वो जो पाला था ना, हाँ ये वाला। ये है, पंख खुला रहा है, पंख खोलो अपने वाले। किसने पाला था ये? आरिफ। आरिफ ने जो ये पाला था, उस बार आया था तो ये जाली नहीं लगी थी, वो इसे हाथ में पकड़ रहा था तो जाली लगा दी थी ना। घर में पाला था इसको, और इसकी जान बचाई थी। आज भी लगता है ये उसको, उनको याद करता है, वैसे तो क्योंकि ये चीज वही सीखा था ये करना। और आरिफ का नाम सुनते ही देखिए, अभी आरिफ भाई, ये देखिए आरिफ, वो देखिए क्या करने लगा है, नाचने लगा। हमने आरिफ का नाम लिया, ये नाचने लगा। ये देखिए आरिफ के नाम से ये नाचने लगता है। ये वही है जो आरिफ भाई ने पाला था। इसको क्या बोलते भाई? नाम नहीं है। सारस। तो ये देखिए भाई, ये देखिए यहाँ पे भी कितना प्यारा तोता है। इसकी पूंछ देखिए आप कितनी बड़ी है। तो ये पूरा तोतों का है। और यहाँ पे देखिए अंदर है डायनासोर।
ये देखिए यहाँ पे तेंदुआ है और ये देखिए बिल्कुल तो भाइयों इस तरफ है गेंडा। चलिए आप लोग को गेंडा दिखाते हैं। ये देखिए गेंडे का घर है, ये सामने देखिए आप गेंडा। तो भाइयों इस समय हम जो ट्रेन चलती है अंदर उसके प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ से आप टिकट लेके और इधर से अंदर जा सकते हैं। और ये ट्रेन है यहाँ पे, आज ट्रेन बंद है। और ये देखिए कुछ इस तरह की ट्रेन होती है जो आपको पूरे ज़ू में घुमाएगी और जितनी भी जगह है जहाँ पे जानवर है वहाँ पे आपको लेके जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कैंटीन बनी है। जी हाँ, इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू? हेलो, हाय। तो कहाँ आए हैं आप? ज़ू में आए हैं। कहाँ पे आए हैं? शुक्लागंज से। अच्छा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? पढ़ाई कर रही है? यंगर ब्रदर आंटी भी आई हैं, भाई भी सब एंजॉय कर रहे हैं। या हाय, दिस इज अनु। जी क्या कहना चाहेंगे कानपुर के? कानपुर अपना मस्त है। रीजन बिहाइंड कि इतना बड़ा चिड़ियाघर है और बहुत अच्छा चिड़ियाघर है। साफ सफाई है, अभी तो बहुत साफ सफाई है, बहुत साफ सफाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है, बच्चों के साथ आओ तो दिक्कत होती है, पूरा घूम नहीं पाते थे। सो टुडे वी हैव डन ए इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो वी आर एंजॉयिंग ए लॉट। अच्छा, थैंक यू। जो पार्क है ये डायनासोर का, ये देखिए किस तरह से इसको दर्शाया गया है कि आगे छोटे वाले डायनासोर भाग रहे हैं, पीछे से एक बड़ा डायनासोर इनको दौड़ा रहा है। ये देखिए बहुत ही बड़ा डायनासोर। ये पहले खुला था लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग इसको डैमेज कर रहे थे और ऊपर चढ़ रहे थे, बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए डायनासोर पर चढ़ना है, क्षति पहुँचाना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए और वहाँ पे भी कुछ जानवर हैं। ये देखिए और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देखिए रास्ता देखिए कितनी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कक्कड़ सिहार पड़ा सब इधर ही है। तो इस समय हम आ चुके हैं काले हिरन के पास। यहाँ पे ये देखिए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यहाँ पे देखिए मछली घर, मछली हाउस और भीड़ आ रही है। तो भाइयों अभी आ चुके बारहसिंघा जहाँ पे हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये लोग टहल रहे हैं यहाँ पे। भाई रास्ता देखिए इस टाइप का है, बिल्कुल जंगल है यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ये देखिए मतलब एक अलग ही मज़ा भी आ रहा है, नेचर भी है। यहाँ पे देखिए हाँ भाई, अजगर है ये, वहाँ दरियाई घोड़ा है आप देखिए। तो भाइयों अभी हम जा रहे हैं टाइगर की तरफ, शेर की तरफ, उसके बाद ज़ेब्रा दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है।
तो चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए इस तरह का जंगल है ये। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ है। हेमू तो भाइयों अभी आ चुके हैं बब्बर शेर जहाँ पे है, और देखते हैं अगर वो दिखता है वो भी आप लोग को दिखाते हैं, फिर वीडियो का एंड करें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो चलिए ये देखिए बब्बर शेर का घर। हाँ चल तो रहे इस तरफ है भाई बब्बर शेर। भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, शेर का है लेकिन बब्बर शेर कहीं दिख नहीं रहा है। ये देखिए तो भाइयों आप लोग को जेब्रा दिखाते हैं। यहाँ पे है जेब्रा और यहाँ पे दिखा, ये देखिए टहला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और आप लोग को कानपुर का जू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।